वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। तो ये जो कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वो इंग्लिश में ही है पूरा, जो आप चाहो तो इसमें नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में सेम टॉपिक है ना, इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो वो हिंदी का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एथेनॉल का उत्पादन या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल, तो हम एल्कोहल का जब पढ़ते हैं तो इसमें एथेनॉल क्यों लिखा है? तो जो एल्कोहल जो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में, जो एल्कोहल बनता है वो एथेनॉल के फॉर्म में बनता है। तो एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, इसको एथेनॉल बोलते हैं, या फिर इसी को इसको C2H5 को एथिल बोलते हैं और OH को एल्कोहल बोलते हैं, तो इसको एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। तो एथेनॉल बोले या एथिल एल्कोहल बोले मतलब एक ही है। अब आगे जो ये प्रोसेस होगा तो ये क्या होता है, ये फर्मेंटेशन मेथड से बनता है। फर्मेंटेशन मेथड ये मेथड होता है जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें एयर थोड़ा भी नहीं रहता है, उसमें अगर प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो कि एथेनॉल बनाने के लिए या एथिल एल्कोहल बनाने के लिए ये यूज़ होता है फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन होता है एक टाइप से वो बैक्टीरिया बोल सकते हैं फंगस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया नहीं फंगस के थ्रू होता है, उसका नाम है ईस्ट। तो आगे ये सब हम पढ़ेंगे। अब इस प्रोसेस में देखिए, इन दिस प्रोसेस शुगर इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम शुगर कैन यूज बाई क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें जो शुगर कैन होता है, ठीक है, गन्ना होता है, उससे हम क्या करेंगे, जो उसका जो रस होगा, जो शुगर होगा, उसको सेपरेट करेंगे एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, और उसमें देखेंगे कि वो जो जूस जो मिला है, ठीक है, शुगर कैन का जो जूस मिला है या फिर शुगर का जो शुगर कैन जूस मिला है, वो थिक येलो एक सिरप टाइप से होता है। और ये बहुत ही ये सिरप मतलब गाढ़ा होने के कारण इसको हमको वाटर डाल के इसको डाइल्यूट करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको तनु करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो शुगर कैन जो जूस है उसको मोलेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोलेसिस अगर आता है, व्हाट इज़ मोलेसिस, तो आप लिख सकते हो कि शुगर इज़ फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम शुगर कैन शुगर जूस इज कॉल्ड मोलेसिस, ठीक है। तो इस मोलेसिस होता है वो बहुत क्या रहता है, गाढ़ा रहता है, मतलब इसमें थिक रहता है, ये येलो रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और वाटर ऐड जब करते हैं तो 8 to 10% क्या होता है, ये सॉल्यूशन ये बन जाता है। और इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट डालते हैं। अमोनियम सल्फेट क्या करता है, इसका वर्क आपको याद रखना है कि जो इसमें ईस्ट डला है फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है, जो फंगस डला है वो उसको उसके रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है और उसके नंबर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसमें स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं, वो भी ईस्ट के प्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन में ग्रोथ में प्रमोट करता है। और अदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको किल करने में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हेल्प करते हैं। मैं लास्ट में इस डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो ये पूरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और द मिक्सर इज़ फील्डेड इन टैंक। अब ये प्रोसेस है कि इतना सब करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, तो जो मिक्सर बना है मोलेसेस और वाटर का, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो टैंक है फर्मेंटेशन टैंक है उसमें डालेंगे, और 5% क्या डालेंगे, ईस्ट डालेंगे, और ईस्ट डालने के बाद उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे, और इसमें वाटर को भी क्या कर लेंगे, अब्सेंस करा देंगे, सॉरी एयर को अब्सेंस कर लेंगे, इसमें जो कुछ भी अगर ऑक्सीजन या कोई भी एयर होगा उसको पूरा कंप्लीटली उसको निकाल लेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस चलेगा वो कितना चलेगा, वो 25 to 30 degrees Celsius में ये टेम्परेचर में प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ईस्ट है एक टाइप से फंगस होता है, ठीक है। और ईस्ट में क्या होता है, उसमें दो टाइप से एंजाइम होता है, ठीक है, मतलब टू टाइप से एंजाइम होगा इसमें, एक का नाम होता है इन्वर्टेज और सेकेंड का नाम होता है जाइमेस। अब इन्वर्टेज और जाइमेस का काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्वर्टेज का जो काम होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट्स द सुक्रोज प्रेजेंट इन द मोलेसिस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो फार्मूला से। तो ये इन्वर्टेज का काम क्या होता है, जो सुक्रोज होता है कहाँ मोलेसिस में, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करता है, ये तोड़ता है, ठीक है। तो जाइमेस का क्या होगा, तो जाइमेस का भी आगे देखिए, एथेनॉल ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ग्लूकोज फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ द जाइमेस। तो ये जो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है वो जाइमेस के एंजाइम के प्रेजेंस में इथेनॉल में, ठीक है, एथिल एल्कोहल में ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में क्या निकलता है, CO2 निकलता है, वो एक जो ट्यूब होता है उसके थ्रू फिर उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है, और वो रिमूव हो जाता है एक आउटलेट ट्यूब से।
ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि सुक्रोज को कौन तोड़ता है, इन्वर्टेस तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, फिर ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है वो जाइमेस के प्रेजेंस में क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, साथ में CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। इसको जो इन्वर्टेज है या जाइमेज है उसको बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, एंजाइम को बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बायोकैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट डू नॉट देमसेल्फ टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो मतलब कि टोटली पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इसके प्रेजेंस रहने से क्या करता है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है और चेंज करता है। कैटलिस्ट द इफेक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन आर कॉल्ड एंजाइम या बायोकैटलिस्ट, इसी को हम बायोकैटलिस्ट या फिर एंजाइम ये बोलते हैं, ये ठीक है। किसी रिएक्शन में रहेगा लेकिन ये खुद अपना ये क्या काम, ये अपने आप को ये वहाँ प्रेजेंस नहीं रखेगा, ये ठीक है। अब इसके बाद जो एल्कोहल जो बनता है वो पूरा प्योर एल्कोहल नहीं बनता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो द एल्कोहल ऑब्टेंड बाय दिस मेथड, ये तो उसको क्वेट डाइल्यूट बोलेंगे, और 100% जो एल्कोहल होता है, जिसमें 100% एल्कोहल किसको बोलते हैं, जिसमें वाटर का थोड़ा भी ट्रेस अमाउंट, मतलब थोड़ा भी वाटर के अमाउंट नहीं रहना चाहिए, उसको एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलेंगे। और एथेनॉल में अगर हम 5% क्या मिला दें, वाटर मिला दें, 5% वाटर मिलाएंगे, उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलेंगे। और मिक्सर ऑफ पेट्रोल और एल्कोहल का जब हम मिक्सर बना देंगे तो उसको पावर एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमोबाइल वगैरह में एज अ फ्यूल क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं पावर एल्कोहल को। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या चीज़ होता है, पावर एल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, ये सब आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब मैं डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। अगर डायग्राम ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छे से इसको सुनिए समझिए, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोलेसेस है वो क्या है, वो शुगर कैन जूस है वो, ठीक है। जो गन्ने का जो जूस होता है वो मोलेसेस होता है। तो ये बहुत क्या रहता है, थीक रहता है, येलोविश रहता है, गाढ़ा रहता है। तो उसमें वाटर मिला के थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ये तनु कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये फर्मेंटेशन जो चैम्बर होते हैं उसमें डालते हैं उसका, और जो टेम्परेचर होता है वो 25-30 डिग्री सेल्सियस सेट कर लेते हैं। अब इसमें अमोनियम सल्फेट डालेंगे NH4 2SO4, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो ईस्ट जो डलने वाला है फंगस, ठीक है, उसके ग्रोथ को, इसके रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं और नंबर ऑफ ईस्ट जो है उसको बढ़ाता है। इसमें थोड़ा अमाउंट में H2SO4 डालेंगे, ये भी ईस्ट के नंबर को इंक्रीज कराता है, ग्रोथ कराता है, और साथ में जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करता है। फाइनली ये प्रोसेस जब होगा तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद ये प्रोसेस में एथेनॉल बन जाएगा ये, और इसमें जो CO2 होगा वो आउटलेट ट्यूब से ये CO2 रिलीज हो जाएगा। अब ये जो फर्मेंटेशन से जो एल्कोहल बना है वो क्या होगा, एक डिस्टिलेशन चैम्बर में आ जाएगा, ठीक है, कॉलम में आ जाएगा ये, फिर ये धीरे धीरे नीचे करके आएगा, एक टाइम के बाद फिर ये स्टीम ये के फॉर्म ये एल्कोहल है वो ऊपर आके ये एक जो कलेक्शन होता है, ठीक है, या कलेक्ट हो जाएगा अल्कोहल है। और इसमें मैं पहले ही बताया था कि जिसमें अल्कोहल जो बनता है वो 100% नहीं बनता, इसमें 90% ही अल्कोहल बनता है, मतलब 100% प्योर अल्कोहल नहीं बनता, 90% बनता है, तो कुछ अमाउंट में से वाटर भी रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा आपको पता होना चाहिए, 100% अल्कोहल होता है इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, ये सब भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन लोग को भी अच्छा लगेगा, कुछ समझ आएगा तो। ओके, चलिए, ठीक, ओके, बाय, टाटा।